दोस्तों, आज हम ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले के बारे में डिस्कस करेंगे, वो भी हिंदी में। ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले बहुत ही इम्पोर्टेंट रिले है सर्किट ब्रेकर ट्रिप कॉइल के लिए। फॉल्ट कंडीशन में सर्किट ब्रेकर ट्रिप कॉइल एनर्जाइज होता है, और ट्रिप कॉइल एनर्जाइज होने के बाद जो स्प्रिंग मैकेनिज्म रहता है उसकी वजह से सर्किट ब्रेकर को ट्रिप और ऑफ करने में मदद करता है। द बेसिक डायग्राम यहाँ पे शो किया गया है ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले का। ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले का काम है जो ट्रिप कॉइल है, ट्रिप कॉइल हेल्दी है कि नहीं, वो कंटिन्यूस सुपरविजन करना। ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले में थ्री कॉइल होता है। तीन कॉइल के अंदर ए और बी कॉइल जो है जो प्री क्लोज एंड पोस्ट क्लोज सुपरविजन के लिए काम करता है, या सी कॉइल जो है अगर ए और बी कॉइल के अंदर कोई भी कॉइल एनर्जाइज होता है तो सी कॉइल एनर्जाइज होता है। यहाँ पे जो 86 का कॉन्टैक्ट है इनो कॉन्टैक्ट शो किया गया है, एंड दो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट जो है ब्रेकर का 52A एंड 52B। 52A ऑक्सिलरी एनो कॉन्टैक्ट है, 52B ऑक्सिलरी एनसी कॉन्टैक्ट है ब्रेकर का। ये जो डायग्राम है ब्रेकर ऑफ कंडीशन में शो किया गया है, एंड जो है ए कॉइल एंड बी कॉइल एनर्जाइज कंडीशन में है। पोस्ट क्लोज सुपरविजन में ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले कैसे काम करता है वो इस डायग्राम में शो किया गया है। पोस्ट क्लोज मतलब सर्किट ब्रेकर जो है ऑन कंडीशन में है। अगर सर्किट ब्रेकर ऑन हो जाएगा, जो 52A है ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है सर्किट ब्रेकर के, वो एनसी हो जाएगा। ये जो रेड डॉटेड पाथ है उसकी वजह से जो ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले के ए कॉइल एनर्जाइज होता है। अगर ए कॉइल एनर्जाइज होता है तो सी कॉइल एनर्जाइज होगा। कंट्रोल एंड रिले पैनल में एक पुश बटन रहता है जो ट्रिप सर्किट का हेल्दीनेस चेक करने के लिए। अगर उस पुश बटन को हम प्रेस करेंगे ब्रेकर ऑन करना ब्रेकर क्लोज करने के बाद, तो जो एक एलईडी लैंप होता है वो जल जाएगा। इसका मतलब ट्रिप सर्किट सुपरविजन हेल्दी है। ये जो डायग्राम है वो प्री क्लोज सुपरविजन रिले ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले कैसे काम करता है वो शो किया गया है। प्री क्लोज सुपरविजन मतलब सर्किट ब्रेकर ऑफ कंडीशन में और ब्रेकर ऑन करने से पहले का कंडीशन जो होता है। जो प्री क्लोज सुपरविजन में रिले कैसे काम करता है वो रेड डॉटेड लाइन से शो किया गया है। यहाँ पे ए और बी दोनों कॉइल एनर्जाइज होता है, जस्ट बिकॉज ए और बी दोनों कॉइल एनर्जाइज होता है, ए कॉइल का कांटेक्ट और बी कॉइल का कांटेक्ट मेक करता है, इसी इसके वजह से सी कॉइल भी एनर्जाइज रहता है। अगर कंट्रोल और रिले पैनल में अगर पुश बटन प्रेस करते हैं हम लोग, तो इंडिकेशन आएगा ट्रिप सर्किट हेल्दी का। किसी भी वजह से ट्रिप कॉइल अनहेल्दी रहता है तो अगर पुश बटन प्रेस करते हैं तो ट्रिप सर्किट अनहेल्दी, जो हेल्दीनेस का जो एलईडी है वो ग्लो नहीं करेगा, इसका मतलब ट्रिप सर्किट अनहेल्दी है। 86 का कॉन्टैक्ट शो किया गया है ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले में। अगर फॉल्ट कंडीशन में अगर 86 ट्रिप है मेक करता है तो जो सर्किट ब्रेकर ट्रिप कर जाएगा, सर्किट ब्रेकर ट्रिप करने के बाद भी ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले कंटिन्यूअस सुपरविजन होना चाहिए। ये जो पाथ है वो रेड डॉटेड लाइन में शो किया गया है, वो 86 का कॉन्टैक्ट एंड बी कॉइल से ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट 52B से होगा। अगर इस कंडीशन में जो है ओनली बी कॉइल एनर्जाइज होगा, एंड बी कॉइल अगर एनर्जाइज होगा तो सी कॉइल एनर्जाइज होगा, एंड इसके वजह से कंटिन्यूअस सुपरविजन ट्रिप कॉइल का पॉसिबल होता है। ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले है, ये टाइप है VAX312 टाइप। ये जो शो किया गया है इस डायग्राम में पोस्ट क्लोज कंडीशन का, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ए कॉइल का जो कांटेक्ट है एनर्जाइज है, मेक कंडीशन में है, इसी के वजह से सी कॉइल भी जो कांटेक्ट है एनर्जाइज है। इस डायग्राम में ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले जो है प्री क्लोज सुपरविजन कंडीशन में शो किया गया है। यहाँ पे ए और बी दोनों कॉइल एनर्जाइज है, इसी की वजह से दोनों कॉइल का कांटेक्ट मेक कंडीशन दैट इज एनसी पोजीशन में है। एस दोनों कॉइल का कांटेक्ट एनसी पोजीशन में है, सी कॉइल के कांटेक्ट भी एनसी पोजीशन में है। यहाँ पे जो है ट्रिप सर्किट सुपरविजन शो किया गया है, जो 86 रिले अगर ऑपरेट करता है तो
ओनली बी कॉइल ऑपरेट करेगा एनर्जी से होगा, और उसी के वजह से सी कॉइल भी एनर्जी से होगा।